हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मेरे पास यहाँ पे कुछ ये वेट एंड वाइल्ड के प्रोडक्ट्स हैं, इनका रिव्यू करेंगे। ये जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है वो इन्हीं प्रोडक्ट से किया है, तो चलिए देखते हैं हम कि कैसे ये मेकअप लुक क्रिएट करें। एक और बात कि मेरे पास वेट एंड वाइल्ड का कोई भी आई शेडो पैलेट नहीं था, तो मैंने ये आई शेडो, ये लिक्विड है वेट एंड वाइल्ड का लिक्विड आई शेडो, तो मैंने इसी से ये आईज़ का लुक क्रिएट किया है। और बहुत ही ईजी सा है ये, तो आप कोई भी बहुत इजीली क्रिएट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, मैंने अपना फेस अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का मैट मेड प्राइमर है ये। ये पहले मुझे लगा था कि कुछ सिलिकॉन बेस्ड होगा, बट ये कुछ बिल्कुल ही मॉइस्चराइजर टाइप ऑफ प्राइमर है ऐसा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ मैं अभी इसे। ये मैंने इसे लगा लिया अपने फेस पे और मैं अपनी फिंगर टिप से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं प्राइमर को हमेशा फिंगर टिप से ही ब्लेंड करती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ फाउंडेशन, फोटो फोकस फाउंडेशन है वेट एंड वाइल्ड का, और ये मेरे पास है शेड डेजर्ट बेज। आप जब भी इसका फाउंडेशन परचेज करें तो एक शेड थोड़ा लाइटर ही लें, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और जो कि आपके फेस पे थोड़ा सा डार्क लगता है। और ये मैंने अप्लाई कर लिया फेस पे, इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर से, और ये बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है। अगर मैं बात करूँ फिटमी, मेबलिन फिटमी फाउंडेशन और इसके बीच, तो ऑफ कोर्स मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और जो फिटमी फाउंडेशन है वो बहुत बार मैंने देखा है कि वो थोड़ा केकी फील होता है उससे मेरे फेस पे, और थोड़ा कभी कभी पैचेस से फील होते हैं, बट ये है, ये बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाता है। अभी मेरे पास इसका कंसीलर नहीं है, तो मैं फाउंडेशन को ही एज अ कंसीलर यूज कर रही हूँ और मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पे ब्रो किट है ये वेट एंड वाइल्ड की, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये इसमें तीन प्रोडक्ट्स हैं, जो सबसे लाइट वाला जो वाइट सा प्रोडक्ट है उसे मैं अपने ब्रोज को शेप दे रही हूँ, उससे ब्रोज को शेप मिल जाएगी। और उसके बाद जो लाइट वाला शेड है उसे मैं ब्रोज की आगे के पार्ट पे अप्लाई करूंगी, उससे देखिए हाँ, उसके बाद जो डार्क वाला है उसे मैं ब्रोज के एंड वाले पार्ट पे अप्लाई करूंगी। इससे क्या होता है कि मतलब बिल्कुल ब्रोज नेचुरल लगती हैं अगर हम आगे की तरफ थोड़ा लाइट रखते हैं और पीछे की तरफ थोड़ा डार्क रखते हैं। इसका एप्लीकेटर बहुत छोटा है और इसका जो ये ब्रश है ये बहुत छोटा है, तो इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। बट हाँ, इससे ये है कि बिल्कुल प्रॉपर शेप मिलेगी, क्योंकि वो ब्रश छोटा है तो बहुत अच्छे से शेप दे रहा है ये। अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं तो डेफिनेटली आप इसे बहुत अच्छे से अप्लाई करके इसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, हम डेली वेयर में तो हम इतना टाइम नहीं लगा सकते हैं, तो मैं डेली तो मैं कोई भी जो भी मेरी आईब्रो पेंसिल है मैं उसी को यूज़ करती हूँ। हाँ, बट अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है उसके लिए, या कोई आप हैवी मेकअप कर रहे हैं तो ये बहुत प्रिटी है। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा, और जो जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ मुझे अच्छे लगे, ऑफ कोर्स मैंने उन्हें पहले ही उनके रिव्यूज देख के परचेज किया है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे अच्छे लगे। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है ये लिक्विड आई शेडो है वेट एंड वाइल्ड का, शेड है गन मेटल शेड में है ये मेरे पास। इसे मैंने ये अप्लाई कर लिया और मैं फिंगर से डैब डैब करके इसे सेट कर लूँगी। ये भी मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, इजी टू अप्लाई है कि कोई भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता इसे तो वो भी बहुत इजीली अप्लाई करके और हल्का सा ऐसे अपनी फिंगर से सेट करके यूज़ कर सकता है। और बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि इसमें इसका ऑफ कोर्स पिगमेंटेशन भी बहुत सही है, आपको देख ही रहा होगा मेरी वीडियो में। इसको मैं अच्छे से डैब डैब करके सेट कर रही हूँ, और कितना इजी है इसे लगाना, कोई भी लगा सकता है आराम से। ये भी प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये है वेट एंड वाइल्ड का पर्ल्स एंड पिंक ब्लश है ये शेड में, ये अच्छा है प्रोडक्ट, बट हाँ सही है ये मुझे, बट इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ शिमर पार्टिकल्स है, तो मुझे थोड़ा मैट में ब्लश ज़्यादा पसंद आता है। मैंने इसको अप्लाई कर लिया है अपने फेस पे, तो अगर आपको शिमर वाला थोड़ा कम पसंद है तो आप कुछ मैट की तरफ जाइए।
ये मेरे पास है यहाँ पे मस्कारा फाइबर लैश एक्सटेंशन वेट एंड वाइल्ड का। ये तो बहुत मुझे, मैं हमेशा इसको यूज करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट। इसमें क्या है, इसमें तीन स्टेप है। फर्स्ट में आपको ब्लैक यूज करना है, फिर वाइट यूज करना है, फिर उसके बाद फिर से ब्लैक यूज करना है। ये मैंने ब्लैक यूज कर लिया है, उसके बाद जो वाइट वाला उसमें कुछ फाइबर पार्टिकल्स हैं तो फिर उसे ये कुछ वाइट वाइट सा लग जाता है आपकी लैशेस पे, उसके बाद फिर से इसे ब्लैक को यूज करना है। अगर आप डेली मतलब आप चाहोगे कि हाँ आप जो फॉल्स एक्सटेंशंस होती हैं, फॉल्स लैशेस होती हैं, आप उसे अप्लाई करो तो वो इजी नहीं होता, बहुत मतलब हैवी सी लगती है हमारी आईज पे। और हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ ऐसे ओकेजन होते हैं जहाँ पे हम उसे नहीं अप्लाई कर सकते, तो मुझे ये बहुत सही लगा उसकी जगह पे। मैं बहुत रेयर लगाती हूँ आई लैशेस, तो मुझे ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा इसीलिए, और इस प्राइस में ये बहुत अच्छा लगा। ये शायद मेरे को 275 ऐसे कुछ प्राइस में मुझे, मैंने इसको परचेज किया था नायका से ही, तो ये इतने प्राइस में मुझे ये बहुत सही लगा, ये वाला जो मस्कारा है। इन सब प्रोडक्ट्स की अगर हम प्राइस वाइज बात करें तो ये प्राइस वाइज भी बहुत सही है, ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है, तो कोई भी इन्हें मतलब अफोर्ड कर सकता है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ये सारे। आपको डिफरेंस पता ही चल रहा होगा मेरी आईज का। उसके बाद यहाँ मेरे पास है लिक्विड हाइलाइटर है। ये एक्चुअली जब मैंने वीडियो को वॉइस ओवर किया तभी देखा कि मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का लिक्विड हाइलाइटर यूज किया है। वेट एंड वाइल्ड का भी सिमिलर ही आता है ये लिक्विड हाइलाइटर। वैसे ये ड्रॉपलेट फॉर्म में है बट ये थोड़ा थिक सा है, तो ड्रॉप्स वाला मेरे को लगा नहीं कि हाँ मुझे ड्रॉप्स की जरूरत है, तो मैंने इसे ऐसे ही अप्लाई कर लिया। मैं इसे अपने जहां जहां मुझे हाईलाइट करना है उन्होंने एरियाज पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसे ना ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने का ट्राई किया, बट मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से जब ब्लेंड किया तो ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाया, कुछ मतलब स्टिक सा हो गया था, पैची सा हो रहा था, तो अच्छे से ये ब्लेंड नहीं हो पा रहा था। मैंने ट्राई किया तो उसके बाद मैंने इसको फिर से फिंगर से मैं इसे ब्लेंड करूंगी, फिर मैंने फिंगर से ब्लेंड करने का ट्राई किया, फिर फिंगर से भी ये मेरे से अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाया, तो उसके बाद लास्टली मैंने अपने ब्रश से ही जो उससे मैं हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ मैंने उसी से इसे अच्छे से ब्लेंड किया। इसके में कुछ शिमरी से पार्टिकल्स थे छोटे छोटे, कुछ ग्लिटर टाइप में, मुझे थोड़ा ग्लिटर टाइप में मतलब फेस के प्रोडक्ट्स थोड़ा कम पसंद है। ये मैंने ब्रश से इसे ब्लेंड किया है अच्छे से, ब्रश से हो गया था ये अच्छे से ब्लेंड। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है वेट एंड वाइल्ड की ये लिक्विड लिपस्टिक है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इतनी रेंज में, इसका शेड है, ये मेरे पास शेड में था गिव मी मोर का शेड है, ये भी बहुत प्रिटी लग रहा है शेड। और लिक्विड लिपस्टिक्स होती है ऑफकोर्स वो आपके लिप्स को ड्राई तो करती ही है, तो ये भी सिमिलर ही उनकी तरह ही है, तो इसमें बस मुझे शेड ही अच्छा लगा, तो और इस प्राइस में ये शेड बहुत मुझे सही लगा। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।